हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में जो वो आपसे कहना चाहते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि क्या आपके पर्सन ने उन्हें आपको आने वाले समय में ये मैसेजेस दिए या नहीं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं और आने वाले समय में, या रिसेंटली अगर आपके पार्टनर ने इसी तरह की मैसेजेस आपको दिए हों, बोले हों, बताए हों, जो यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी होगी। देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, और म्यूचुअल कार्ड्स भी लेंगे, उसे भी देखेंगे कि म्यूचुअल कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे राइट साइड में मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और मेरे लेफ्ट साइड में आपके पार्टनर्स की एनर्जी, ठीक है। तो दो म्यूचुअल कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपकी तरफ से, एंड दो म्यूचुअल कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। इसे मैं यहाँ रख रही हूँ हमेशा की तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बॉटम ऑफ द डेक। मैं बॉटम ऑफ द डेक उसी टाइम देखूँगी कार्ड्स ओपन करने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, तो मैंने दोनों कार्ड्स निकाल लिए। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं आपकी तरफ से। सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे व्यूअर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टनर्स को, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 6 ऑफ कप्स। वाओ, कल 11-11 पोर्टल है और आज मैरिज की एनर्जी निकल कर आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे व्यूवर्स, ज़्यादातर व्यूवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी सिर्फ एक इच्छा है, सिर्फ एक विश है, और वही विश आपकी पूरी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप 24/7 सिर्फ एक ही दुआ मांगते हैं, एक ही मन्नत मांगते हैं अपने भगवान से, अपने ईष्ट से, कि आपके पार्टनर से आपकी शादी हो जाए। 9 ऑफ कप्स विद 4 ऑफ वांड्स। आप अपने पार्टनर को यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपको बहुत याद करता हूँ या याद करती हूँ, आपके साथ मैंने जो भी टाइम स्पेंड किया है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी हमारी बात हुई है, चाहे वो ऑनलाइन हुई हो, चाहे आप कभी एक दूसरे से मिले ना हो, चाहे आप मिलकर कोई टाइम स्पेंड करे हो, या आप दोनों एक साथ में पढ़े हों कॉलेज में, स्कूल में, चाइल्डहुड लव हो, या फिर आप दोनों एक ऑफिस में रहे हों, जो भी टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, जो भी आप दोनों की मेमोरीज़ है, आप उन्हीं यादों के सहारे जब आप ब्लॉक हो जाते हैं या जब आप नो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो यही एक शक्ति है जो आपको टिका कर रखती है इस रिलेशनशिप में। ये भी आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं कि शायद आपने ये बातें पहले बोली हों या अभी बोलना चाहते हैं, कि आप उनके उन यादों के सहारे ही अपनी लाइफ काटते हैं, और शायद वो यादें इतनी खूबसूरत हैं या इतनी ब्यूटीफुल हैं कि आप उन यादों के सहारे शायद आगे भी अपनी लाइफ काट सकते हैं। लेकिन आप अपने लाइफ में अगर कंप्लीशन चाहते हैं या चाहती हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ। ये एकमात्र विश है आपकी। इसके लिए मे बी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, मंत्र सुनते हो, मनौती मांगते हो,
जो कुछ भी आपके बस में है आप सब कुछ कर लेते हो, ये आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो कि आप उनके लिए आप कितना प्रे करते हो और वो आपके लिए कितने स्पेशल हैं, कितने ज़्यादा स्पेशल हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत टॉक्सिक लाइफ जी रहे हो, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो किसी और व्यक्ति के साथ जो कि आपको टॉर्चर करता हो, आप पे गुस्सा करता हो, आप पे ट्रस्ट इश्यूज हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लाइफ हो, या किसी ऐसे पेरेंट्स के साथ आप रहते हो जो कि आपको बहुत डोमिनेट करते हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा कर रखते हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद डेविल एनर्जी में हो, आपको उन्होंने आपके लव के बदले में सिर्फ और सिर्फ डांटा हो, गुस्सा किया हो, अब्यूसिव बोला हो, शक किया हो, ट्रस्ट इश्यूज किए हो, ब्लॉक कर दिया हो, हर्ट किया हो, ट्रिगर दिया हो, फिर भी आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, आप उन्हें खोने से डरते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। आप उन्हें एक ट्रेजर की तरह रखते हैं, जैसे हम अपने गहनों को संभाल के रखते हैं, अपनी प्रेशियस चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, वैसे आपके लिए आपके पार्टनर हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप उनको लेकर, कुछ भी दुनिया में आप शेयर कर सकते हैं लेकिन आप अपने पार्टनर को शेयर नहीं करना चाहते, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, या आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों, आप दोनों में डिफरेंस हो, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप में से कोई बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो, मे बी आपका समाज में नाम हो, आपके पेरेंट्स का या उनके पेरेंट्स का या उनका खुद का समाज में बहुत नाम हो, या उन्हें ईगो हो बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का घमंड हो। आप में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकता है कि मे बी आप दोनों में स्टैंडर्ड डिफरेंस हो, या तो आप बहुत रिच हैं वो उतने रिच नहीं हैं, या तो वो बहुत रिच हैं आप उनके कंपैटिबल नहीं हैं, फिर भी आप उनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव यहाँ पर दिख रहा है। तो आप ये मैसेजेस उन्हें देना चाहते हो कि आप उन्हें मिस करते हो, आप उनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ या आप किसी टॉक्सिक लाइफ में हो तो भी आप वहाँ से निकल कर अपने पार्टनर का साथ चाहते हो, यही विश है आपकी, और आप उन्हें बहुत प्रेशर समझते हो। तो ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की तरफ निकल कर आई है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या निकल कर आई है। फोर ऑफ कप्स, द मून, प्रिंस ऑफ कप्स, द स्टार, टू ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपकी तरफ भी आपने नोटिस किया होगा फोर एंड सिक्स एनर्जी आई थी, और इनकी तरफ भी फोर एंड सिक्स एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस है लेकिन एनर्जी में। आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हो वो तो मैंने आपको बता दिया, अब ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 24/7 आप इनके दिमाग में होते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या ये आपसे दूर हैं, या ये थर्ड पार्टी में जगल कर रहे हैं, या इनके पेरेंट्स नहीं चाहते आपको, या इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आपको ट्रिगर करके चले जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, ये सिचुएशंस आपके दिल में चलती होगी। लेकिन इनके दिल में ये आपको क्या कहना चाहते हैं, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि भले मैंने तुमसे ये कहा है कि मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हैं। देखिए, ये बंदी जगल कर रही है दो सिचुएशंस में, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये किसी कार्मिक के साथ हो, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, या ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो जिसकी वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाते या नहीं कर पाती। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो भी इनका दिल दिमाग 24/7 सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचता है। द स्टार की एनर्जी है, सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका जो लव है वो इन्हें कहीं और से नहीं मिलता। ये आपको ये चीज़ें कहना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि ये आपसे भले ना बताएं,
ये आपसे छुपाएं या ये आपसे डिस्टेंस बना लें, आपसे दूरियां बना लें, आपसे मूव ऑन कर लिए हों, ब्लॉक कर दिए हों, नो कांटेक्ट में चले जाते हों, लेकिन फिर भी आप इनके और ज़्यादा करीब होते हो। जब ये कांटेक्ट में रहते हैं तब आप उतने करीब नहीं होते, लेकिन जब नो कांटेक्ट में रहते हैं तो आप 24/7 इनके दिमाग में होते हो, 24 घंटे। ये आपसे ये चीज़ें बोलना चाहते हैं कि कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या भूल जाऊँगा, क्योंकि आपको मैं भूल ही नहीं सकता। एवरी टाइम यू आर इन हिज और हर माइंड, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। द मून की एनर्जी है, आपके पार्टनर बहुत रेजिस्ट करते हैं, अपने इमोशंस को खुल के नहीं बताते, लेकिन जब इन्हें डर लगता है कि अब अगर मैंने नहीं बताया तो शायद इस रिलेशनशिप को मैं खो दूंगा या खो दूंगी, तब ये आपकी तरफ लौट कर वापस आ जाते हैं और आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुल कर बताते हैं। और बताने के बाद जब ये जान जाते हैं कि ये बंदा या ये बंदी मेरी ही है और ये इसके लाइफ में और कोई नहीं है, तो फिर ये आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से, या कुछ कर्मा बैगेज है जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ रहते हैं, लेकिन ये आपको कभी नहीं भूलते और ये हमेशा आपकी केयर करते हैं, हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, हमेशा आपको यही देखना चाहते हैं कि आप हैप्पी रहो, खुश रहो, इन्जॉय करो और इन पर ट्रस्ट करो। ये चीज़ें ये आपसे कहना चाहते हैं। अब हम देखेंगे, और ये भी कहना चाहते हैं कि आपसे एक्सप्रेस करें या ना करें, इन्हें आपसे बहुत प्यार है क्योंकि द मून की एनर्जी है, ठीक है। अब हम देखेंगे म्यूचुअल कार्ड्स, देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट टू कार्ड्स आपके हैं और ये टू कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स द सन, 7 of Cups एंड 5 of Swords। आपके पार्टनर और आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल कंट्रास्ट है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, बैलेंस बना लें, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए इस सिचुएशन में और एक्शन लें। सन एक्शन को दिखाता है, तो आप अपने पार्टनर से सिर्फ और सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया ऑन एंड ऑफ, अब मैं सिर्फ एक्शन चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मैं और किसी भी हद में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे अब बैलेंस चाहिए अपने लाइफ में, अब मुझे एक स्मूथनेस चाहिए, मैं और हर्ट नहीं होना चाहती या चाहता, मैं और ज़्यादा अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस को नहीं चाहता, मुझे आप या तो कमिटमेंट दीजिए या तो क्लैरिटी दे दीजिए ताकि मैं किसी भी तरह अपने आप को आगे अपने लाइफ में बढ़ा सकूँ। ये आपका क्लियर कट मैसेज है अपने पार्टनर के लिए। और आपके पार्टनर का मैसेज ये है कि ये कन्फ्यूज्ड है, ये जहाँ पे हैं वहाँ भी खुश नहीं हैं। अगर ये किसी के वजह से आपको छोड़े हैं या किसी सिचुएशन की वजह से छोड़े हैं या किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में डिस्टेंस है या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, जॉबलेस हों या बहुत ज़्यादा ही काम हो, ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखो, ठीक है, मैं स्टैंड लूँगा आपके लिए, पेशेंस रखो, बिल्कुल भी इन पर डाउट मत करो, ये डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे, डेफिनेटली आपके लाइफ में आएंगे। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को टेंशन मत दो, रिलैक्स रहो और मुझ पर भरोसा रखो, मैं फाइट करूँगा इस रिलेशन के लिए। ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि क्या ये सच में आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि ये आपको सिर्फ टॉफ़ी दे रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। म्यूचुअल कार्ड्स में 7 of Cups क्यों आया है? ओ माय गॉड, ये देखो 7 of Cups को 7 of Cups नहीं, ये तो बहुत बड़ी वाली टॉफ़ी दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये मास्टर हैं बिल्कुल आपको मैनिपुलेट करने में, वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी। किंग ऑफ कप्स विद 7 of Cups, ये बहुत लव करते हैं, लेकिन ये आपको कमिटमेंट देने से अभी डीले लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कमिटमेंट देंगे ज़रूर,
लेकिन अभी आपको कंफ्यूज करेंगे, अभी आपको मैनिपुलेट करेंगे। ये अभी की एनर्जी है, ये परमानेंट एनर्जी नहीं है, अभी की एनर्जी है। ये रीडिंग मैं हर हफ्ते हर महीने ही करती हूँ। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि ये जो एनर्जी है, सेवन ऑफ कप्स को सेवन ऑफ कप्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया। बताओ डेक में इतने सारे कार्ड्स हैं, यहाँ पर बहुत मैनिपुलेटिव हैं आपके पार्टनर। ये आपसे चाहे जितने भी दूर हो जाएं, ब्लॉक कर दें, नो कॉन्टैक्ट में डाल दें, लेकिन जब भी आप इनसे ब्लॉक इनसे आप दूर जाने की कोशिश करोगे, इनको सोचोगे कि यार इसको मैं ब्लॉक करती हूँ और अब अपने लाइफ में फ्री रह के आगे बढ़ूंगी, तो ये वापस आ जाएगा बंदा या बंदी। और ये आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेगा ना कि आपको लगेगा ओ माई गॉड मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली थी, अच्छा हुआ मैं मूव ऑन नहीं की। ये वाली एनर्जी है, ये तो मुझसे सच्चा प्यार करता है, तो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं ये देखूंगी कि क्या ये प्यार सच है या एवं ही है बस। हमारे यहाँ बनारस में बोलते हैं चल गोली मत दे तो ये वही गोली देते हैं आपको। चलिए देखते हैं कि ये गोली दे रहे हैं या सच में प्यार करते हैं। क्या इनका प्यार सच्चा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का प्यार सच्चा है या एवं ही है बस। चैरियट की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक। कार्ड पलटने में डर लगता है कभी कभी मुझे भी। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये थर्ड पार्टी में बिल्कुल खुश नहीं है, चाहे वो आपकी पार्टनर लड़की हो लड़का हो, डजन मैटर, या सेम जेंडर हो। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये जहाँ भी रहें आपसे दूर भी रहते हैं तो ये 24/7 आपको स्पाई करते हैं, नज़र आप पे ही रहती है, दिल आपके पास है, बॉडी कहीं भी रहे। यहाँ पर ऐसा लगता है कि चाहे पेरेंट्स का डर हो, चाहे कंट्रोलिंग पेरेंट्स हो, या कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी हो, या कंट्रोलिंग इनका काम हो, वर्क हो, बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती है लाइफ में, लेकिन ये बंदा आपके पास ही आएगा। चैरियट की एनर्जी है विद जजमेंट, डिसीजन तो ये आपके तरफ ही लेगा क्योंकि स्पाई आपको करता है, लव आपको करता है। स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई क्लैरिफिकेशन में, मतलब ये बंदा सही में आपके लिए फ़ाइट करेगा या करेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई कर लिया ताकि मैं आपको और क्लियर आंसर दे पाऊँ। सो होप आपको इस रीडिंग से मैसेज मिला हो आपके पार्टनर की तरफ से, और आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए हों। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट में दीजिएगा अगर आपके साथ रिसेंटली ये सब हुआ है तो, या आपके पार्टनर्स ने ऐसा कुछ कहा है तो। और अगर इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आ जाते हैं वापस, या इस तरह की एनर्जी अगर आपकी होती है जो यहाँ पर निकल कर आई है, तो ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट में दीजिएगा, मैं ज़रूर से पढ़ती हूँ आप सबके कमेंट्स। सो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।